हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल कल नाइन्थ uh, डे था uh, रमज़ान का uh, कल ऐसी कोई मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी कल हमने बहुत सारा काम निपटाया छोटा छोटा काम घर का काफ़ी सारा रह रहा था तो वो सारा निपटाया हमने बाकी बच्चे घर पे थे uh, कु आए थे उन्होंने पकोड़े वगैरह बना दिए थे मैं मेलन uh, शेक आधा बना के गई थी आधा एरिना ने बनाया तो मैंने बच्चों से कहा था कि रिकॉर्डिंग कर लेना कुछ ब्लॉग के लिए तो वो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है वो देखें आप दर्यों दर्यों अभी हम लोग जाएंगे मार्केट थोड़ा सा काम आ, बाकी रह रहा है कुछ शॉपिंग करनी है तो वो करने जाएंगे बाकी मैंने तैयारी करी है आ, चिकन वग़ैरह मैरिनेट कराया है कुछ बनाऊंगी इफ्तारी के लिए तो चने कल मैंने ज़्यादा बना लिए थे सुबह ही आ, वो बना के रख दिए थे कि कल और आज दोनों दिन के लिए हो जाएंगे तो चने हैं एक चीज़ और कुछ बनाऊँगी बाकी तो देखते हैं मार्केट से आने के बाद कितनी ताकत रहती है क्या एनर्जी बचती है वो भी देखते हैं तो देखते हैं आगे का दिन कैसा रहता है पौन

और फिर मुझे ज़रूरत पड़ गई नींबू पानी की काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था बीपी लो हो रहा है गर्मी तो नहीं थी लेकिन बस शायद तबीयत के चलते हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है मुझे जल्दी हालांकि ऐसा कुछ था नहीं जहाँ भी मैं जा रही थी वहाँ स्टूल लेकर मैं बैठ रही थी ऐसा लग रहा था खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ तो हो जाता है खैर कभी कभी ऐसा तो ये कुछ चीज़ें और ली फिर उसके बाद हमने नींबू पानी पी के काफ़ी अच्छा लग रहा था और फिर ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है लाजपत नगर अगर आए और इसकी बिरयानी ना लें तो थोड़ी सी ज्यादती सी लगती है इसके साथ ये बहुत अच्छी बिरयानी होती है यहाँ की कभी आप आएँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मैंने पहले भी बोला है जब भी आएँ एक बार ज़रूर ट्राई करें तो ये है चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था नमक और काली मिर्चों का पाउडर डाला है थोड़ा सा दरक और लहसुन का पेस्ट डाला है बोनलेस पीसेस पूरे नहीं थे मेरे पास तो इस तरीके से जिसमें थोड़ी सी कम बोन्स होती हैं वो मैंने ले लिया था फिर इसे ऐसे बॉयल कर लेना है अच्छी तरीके से और यहाँ पर भैया कर रहे हैं अपना काम काफ़ी कुछ निपटा दिया है भैया ने जब तक कि मैं लौटी थी काफ़ी कुछ चीज़ें शॉट आउट हो चुकी थी हरिना बना रही है शरबत आज रू अफज़ा का प्लान है ये आलू है ये छः आलू थे बड़े साइज़ के काफ़ी बड़े साइज़ के इन्हें बॉईल करके और ऐसे इस तरीके से अच्छी तरह मसल लिया है और इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले डाल रही हूँ और ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है और नमक डालना है काली मिर्चों का पाउडर डालना है और चिली फ्लेक्स डालने है। ये थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लें एक बार मिक्स करके नमक को चेक कर लें या औरगैनो और काली मिर्चों का पाउडर ये भी चेक कर लें कि अगर आपको और चटपटा पसंद है तो उस हिसाब से मसालों को ऊपर नीचे कर लें और फिर इसे अच्छी तरीके से मसलना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और फिर इसे रख देना है साइड में अब चाहिए कुछ ब्रेड क्रम्स तो या ब्राउन ब्रेड थी मेरे पास तो यही मैंने पिसवा ली थी भैया पीस रहे हैं इसको और चिकन तब तक बॉईल हो गया था तो इसको इस तरीके से हाथों की हेल्प से अलग अलग कर लेना है बिल्कुल धागे धागे से इसके बन जाए सारे रेशे अलग कर लेना है और एक अंडा लिया था मैंने इतनी चीज़ों में ये इनफ है दो अंडे ना लें एक ही लें काफ़ी होगा नमक और थोड़ा सा आ, लाल मिर्च पाउडर डाला है ना डालना चाहें तो ना डालें चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लें सब कुछ अपने विश के अकॉर्डिंग है जिस भी हिसाब से आपको चीज़ें चटपटी चाहिए उस हिसाब से और चीज़ों को घटाया बढ़ा सकते हैं और अंडे की जो कंसिस्टेंसी है वो मैं दिखा रही हूँ ऐसी रनिंग होनी चाहिए काफी सारा काम निपट गया है पीछे देखिए सारी साफ सफाई हो गई है मैं दिखाती जो बनना है उन्हें एक साइड कर दिया है चीजों को वो भी गैस भी साफ कर दिया है पास से दिखाओ ये भी सारी चकाचक जक कर दी है साफ साफ चीजों बनाने का अपना ही एक मजा होता है और इधर भी जितनी चीजें फैली थी सारा भैया काम कर गए थे तो वो भी मैंने सारा समेट के और सब कुछ साफ कर दिया है खाने में मेरे लिए तो भैया बना के गए ये लौकी और चावल हैं फ्राई करे हुए तो आज मैं ये खाऊंगी बाकी तो सबके लिए बिरयानी ली थी मैंने दिखाया था लाजपत से बाकी लोग वो खाएंगे तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या तैयारी करने ये वारे? रही बाकी की तैयारी ये है चिकन शेड करा हुआ अच्छे तरीके से तो नहीं कर पाए हैं भैया लेकिन ठीक है चलो काम चल जाएगा ये रहा चिकन आलू मैंने दिखाया मैंने क्या क्या डाला हुआ था अब ये तीन चीज़ें और कैनो कैचअप और जो रेड चिली फ्लेक्स है वो पड़ेगा अभी चिकन में इसको थोड़ा सा फ्राई करके बनाएंगे जिसमें ये भी जाएगा सामान अंडा पेट कर रख लिया है ये और ब्रेड ली थी ब्राउन ब्रेड थी मेरे पास बाकी आपकी मर्जी है कोई भी डाल सकते हैं तो ये पीस करके ये रख लिया आप चिकन को बना लेते हैं हाथों तो में पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें क्योंकि आलू जो है वो चिपक जाते हैं हाथ में और फिर इस तरीके से थोड़े से आलुओं को ऐसे ले लेना है बॉल पहले बना लेनी है और फिर इसको ऐसे हाथों की मदद से ऐसे चपटा कर लेना है और फिर इसमें रखना है चिकन थोड़ा सा एक डेढ़ चम्मच के करीब रखना है और फिर इसके ऊपर रखना है चीज़ तो मैंने अभी मेरे पास स्लाइस वाली अवेलेबल थी तो मैंने वो रखी है बाकी आपके पास जो भी और चीज़ हो वो आप रख लें जितनी ज़्यादा रखना चाहते हैं उतनी ज़्यादा रख लें कम पसंद है कम रखें मैंने इस तरीके से एक स्लाइस के चार टुकड़े करके फिर एक टुकड़ा ही यूज़ करा है बाकी अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो अच्छी तरीके से ठूस ठूस के भर लें इसमें और फिर ऊपर से ये जो आलू लगाएंगे ना तो सील पैक अच्छी तरह करना है क्योंकि चीज़ अगर थोड़ी सी भी बाहर निकल गई तो फिर वो आ, काम सारा जो है वो ख़राब कर देगी तो अगर आप अच्छी तरह भर रहे हैं चीज़ ज़्यादा आपको पसंद है आ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि चीज़ें बाहर बिल्कुल भी ना आ पाएँ और दूसरे आलुओं को भी इस तरीके से रख के देखें ऐसे पूरा सील कर देना ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ हमने फिलिंग करी हुई है इतना ज़्यादा इवनली इसको एक जैसा करना है और फिर अंडे में एक बार लपेटना है फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से चारों तरफ से ऐसे रोल कर करके किनारों को भी कर लें और फिर डायरेक्ट इसको गरम तेल में आ, डाल देना है दोनों तरफ से फ्राई करना है जब दूसरी तरफ से हम पलटेंगे इसको आ, तो फिर अगर आपको लगता है बीच वाली साइड कुछ रह रही है तो फिर ऊपर से जो है वो ऑयल ऐसे इसके ऊपर स्प्लैश करना है ताकि ऊपर की भी जो साइड है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए दोनों तरफ से आँच जो है वो फुल ही रखनी है धीमी करेंगे तो फिर ये आ, उतनी जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बिखरने के चांसेस होते हैं गरम तेल में ये काफ़ी अच्छा फ्राई हो जाता है इसी के साथ हमारा नाइन्थ और टेंथ डे का रमज़ान का जो दिन है वो यहीं ख़त्म होता है और ये मैंने आपको खोल के भी दिखाया ये इस तरीके से दिखता है कुछ चीज़ जो है वो दोनों साइड भी आप डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी है हम बाकी इस व्लॉग को यहीं पैन करते हैं अगली बार फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ अब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर